मध्य प्रदेश सरकार एक और जहां किसानों को बिजली मुहैया कराने और उचित बिल उपलब्ध कराने के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के आला अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का है, जहां देवसर विद्युत वितरण केंद्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि विद्युत वितरण केंद्र देवसर में इन दिनों आला अधिकारियों की साठगांठ से कंप्यूटर ऑपरेटर को कनिष्ठ अभियंता का प्रभार दे दिया गया है। ऑपरेटर को प्रभारी जेई का पद मिलते ही वह लूट खसूट की प्रणाली पर उतारू हो गया और प्रभारी जेई के द्वारा ग्रामीणों से जबरन अवैध वसूली जोरों पर चालू है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि देवसर विद्युत वितरण केंद्र प्रभारी जेई पंकज पांडे के द्वारा ट्रांसफार्मर लगवाने के नाम पर 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक लिया जाता है। वहीं जिस गांव के ग्रामीण ट्रांसफार्मर लगवाने का पैसा ना दे तो उस गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। प्रभारी जेई अवैध रूप से पैसा लेकर आटा चक्की, वेल्डिंग मशीन जैसे कई कार्य बिना कनेक्शन के शुरू करवाए हुए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में डीई से लेकर सीई तक के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन प्रभारी जेई की आला अधिकारियों से सांठगांठ इस कदर हावी है कि कोई भी अधिकारी प्रभारी जेई के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रभारी जेई की लूट खसूट प्रणाली ग्रामीणों पर इस कदर से हावी है कि ग्रामीण कहीं से भी पैसे लाकर प्रभारी जेई का जेब पर भर रहे हैं और अन्नदाता दर दर की ठोकर खाने पर विवश हैं। हमारा क्योंकि बिजली के बिल जमा कर रहे थे, अभी बीच में बिजली बिल की थोड़ा समस्या आ गया, उनसे एक दिन के समय मांगे लेकिन एक दिन का समय नहीं देखे, हम तारा काट के लेके चले गए जी साहब। हाँ, पूर्व में पैसा हमारे ट्रांसफार्मर मालिक किया नहीं, तीन बार जल चुका है, हमसे पैसा जो है तो मतलब ये हिसाब नहीं लिया, डायरेक्ट मतलब चंदन से पैसा जमा करवाया है 4,000 रुपये। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा तार आज मतलब काट के ले गए वहाँ हमारा तार जुड़ना चाहिए, आज 5 दिन का भुगतान वो देना दे और इसके बाद हमारा मालिक तार जोड़ दें, 5 दिन का भुगतान दे जो हमारा नुकसान होगा होता, मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, क्या उनका नियम का कार्य यही कर्तव्य होता है कि मतलब मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब करना चाहिए। समस्या ये है कि हम बिल से परेशान हैं, जब से पंकज पांडे जेई हमारे देवसर विद्युत वितरण केंद्र में आए तब से हमारा जो है तो 700 यूनिट से कम कभी रीडिंग नहीं भरते हैं, और जब हम गए वहाँ जेई साहब के सर पास पंकज पांडे जेई के पास और बताएं कि श्रीमान जी हमारा मीटर जो है तो कम बता रहा है रीडिंग, और आपका एक कलम जो है तो 700 यूनिट बता रहा है, और फिर उन पूछें कि पहले जब राजीव चौरसिया जब जेई था तो कितना आता था, तो हम बोले कि 300 यूनिट 400 यूनिट 250 यूनिट हर महीने में आता था, तो कहें फिर हमके वो पंकज पांडे जेई बोले कि ये तो 300-250 ये तो बिजली साधारण जलाने वाले जो है तो इतना यूनिट खपत करते हैं, तुम तो चक्की चला रहे हो यानी तुम चोरी करते हो। तो हमने कहा कि श्रीमान जी आप हमारा चोरी पकड़िए और चोरी में पकड़ लीजिए, इसके बाद जो है तो हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन रीडिंग वहाँ ले करके जितना रीडिंग मीटर बताए उतना हमारा महीने में रीडिंग आप चढ़ाइए। ऐसे करते करते हमको परेशान कर दिए जेई, नहीं सुना हमारा। फिर हम बैढ़न गए और बैढ़न जब गए तो फिर कम मतलब वहाँ से हुआ, ये देखिए बिल भी हम रखे हैं, ये 0 बताया, ये देखिए कौन महीना का है, अब हमें अंग्रेजी पढ़े नहीं है, अगस्त 2020 तो है, तो बहुत ज़्यादा हमारा बिल आ गया। और फिर हम इसको वहाँ ले करके जब गए बैठन तो फिर इन जेई फिर बुलाएं कहें कि आओ हम कम कर देते हैं, तो यहाँ 0 बता रहा है लेकिन फिर भी 2,000 रुपये उस महीने में जो है तो हमारा बिल आ गया, जहाँ कि 0 है तो मिनिमम चार्ज जो 10 HP का कनेक्शन होता है उतना ना पैसा लगना चाहिए, पैसे की मांग मतलब की तो नहीं गई, लेकिन हम पैसा उनको दे देते महीने में 200-400 रुपये महीना तो हमारा कम रीडिंग हो जाता।
ये ऐसा मतलब उनका आभास था, मतलब हमारा सुनवाई कभी भी नहीं किए वो। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट।